C5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए कभी भी कहीं भी। आने वाले हर जन्म में मैं प्यार इश्क मोहब्बत इन सब चीजों से सख्त नफरत करने वाला हूँ, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? जब भी ये मनहूस औरत इस घर में आती है कोई ना कोई तमाशा तमाशा मैंने नहीं आपके इस दामाद ने किया। अगर तुम्हारी बेटी मेरे पास है तो मेरा बेटा कहाँ है? वेदिका पर लगा रहा है पूरा अग्रवाल खानदान लांछन। ये औरत इतनी चालाक निकली कि दौलत के लालच में हमारी गौरी की बच्ची को लेकर ही चली गई। लेकिन अब है साहिल की बारी एक बड़ा कदम लेने की। अगर जरूरत पड़ी तो अग्रवाल नाम छोड़ने को भी तैयार हूँ मैं, पर अपने बच्चे को किसी को नहीं दूंगी। क्या साहिल मिला देगा वेद को उसकी असली माँ से, या एक बेटे को खुद ही एहसास होने लगेगा इस सच का? वेदिका आंटी, जानिए आपके आ जाने से की। एक नन्हा सा बच्चा था, माँ से अपनी पिछ कोई सुराग हाथ ना आया, CCTV भी काम ना आया। आपके आ जाने से की अगली धमाकेदार कड़ी में गणेश महोत्सव के जश्न के बीच वेदिका पहुंच गई है बप्पा के पास अपने खोए हुए संतान से मिलने की गुहार लेकर। लेकिन क्या वेदिका को मिल जाएंगे सबूत कि वेद ही है उसका बेटा, या करना पड़ेगा उसे थोड़ा और इंतजार? वेदिका मांगेगी जवाब अपने सवालों के। इतना बड़ा सच मुझसे क्यों छुपाया गया? इस बात का सबूत है मेरे पास कि वेद मेरा बेटा है। कटघरे में है इस गहरे राज को दबाने के जुर्म में बड़ी अम्मा, साहिल और भूमि। आप में से कौन था जिसने ये साजिश रची? क्या होगा परिणाम जब खुलेंगे राज अतीत के? जानिए मंगलवार रात 10:30 बजे। वेद घर में नहीं है। वेदिका है फरार वेद को लेकर। अग्रवाल खानदान में है डर और दहशत का माहौल। लोगों ने उठा लिया है फायदा इस मौके का। लेकिन क्या वेदिका है आने वाली मुसीबत से अनजान? जानिए आपके आ जाने से की अगली। मुसीबत में है वेद की जान, तनाव में है अग्रवाल खानदान। मेरी बात बंद कर, हमको हमारा पोता चाहिए किसी भी कीमत पर। और परेशान है भूमि और वेदिका। मौके की नजाकत को समझे बिना भूमि ने ले लिया है एक बड़ा कदम। वेदिका अग्रवाल, अगर आज रात से पहले आपने मुझे मेरा बच्चा नहीं लौटा तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। लेकिन क्या होगा साहिल और वेदिका का अगला कदम वेद को बचाने के लिए? जानिए आपके आ जाने से की अगली। मैं एक अलग ही वेदिका दी देख रही हूँ, वो जो अपने बच्चे को वापस लेकर ही दम लेगी। वेदिका द्वारा दी गई चुनौती से अग्रवाल खानदान पूरी तरह से चौंक उठा है। जब तक कार्रवाई पूरी नहीं होती कोई भी शहर छोड़कर बाहर नहीं जा सकता। पर क्या रुकावटें आने वाली हैं वेदिका की लड़ाई में? क्या अग्रवालों के पैसों की ताकत के सामने जवाब दे देगा उसका हौसला? आखिर कब तक चलेगी दोनों माओं की जंग वेद के लिए? वेदिका ने कर लिया है दृढ़ निश्चय अपने वेद को लौटा लेने का, पर इस लड़ाई में है उसके दो सबसे चहेते हिस्से जिंदगी के उसके विरुद्ध। अब मैं आपसे बेझिझक लड़ूंगी, क्योंकि अब ये दो माओ की लड़ाई है, यशोदा और देवकी की लड़ाई। एक माँ करेगी हर मुमकिन कोशिश, पर कौन है निशा जिसकी असलियत से है सब अनजान? अब देखना है किस्मत का फैसला किस और करती है रुख, माँ यशोदा या देवकी माँ की तरफ? जानिए आपके आ जाने से की अगली। वेदिका को अकेले पाकर साहिल ने किया कुछ ऐसा जिससे हैरान है पूरा अग्रवाल परिवार और खुद वेदिका भी। लेकिन कोर्ट की कार्यवाही से पहले साहिल ने की ऐसी हरकत, क्या है कोई चाल इस कानूनी मामले में नया रंग डालने की? वेदिका जी इस कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। क्या वेदिका को हराने के लिए की जा रही है कोई बिसात तैयार? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली। बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो साहिल। अरे काला जादू कर दिया इस औरत ने, देखो। आओ बेटा। शहर में कैसे आया वो? शादीशुदा मर्दों को फंसाने की कोशिश करती है, कितनी गिरी हुई हरकत करी है इस औरत ने। बड़ी अम्मा निसंदेह यही बात है, पहले तो कचहरियों की धौंस देती रही लेकिन जब वहां जीतने की संभावना खत्म हो गई तो ऐसी ओछी हरकतों पे उतर आई, देखा आपने? हाय हाय शर्म हया, तो मिट्टी के भाव बेच खाई है ये औरत। अरे तो साहिल को चूमने की कोशिश करी थी क्या? और वो भी उस घर में जिस घर में उसकी बीवी है? छी 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 छी,
ओछेपन की भी हद पार कर गई हो तुम। मैंने सोचा था कि बच्चा हो गया है, शादी हो गई है, अब तो ऐसी हरकतें नहीं करेगी, लेकिन फिर से हमारे साहिल के पीछे पड़ गई है। और दुनिया में यही बोलती फिरती है कि हमें साहिल में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मौका मिलते ही हमारे साहिल से चिपक जाती है। अरे तुझे तो उल्टा बैठ। चुप हो जाइए आप सब। बहुत सुन ली मैंने आपकी ये घिनौनी बातें। दुनिया में हर चीज बदल सकती है, लेकिन ऐसी घटिया सोच बदलना नामुमकिन है। आखिर वो दिन आ ही गया जब साहिल अग्रवाल और वेदिका अग्रवाल के बीच कस्टडी का केस शुरू हो रहा है। इस अनोखे केस में आप सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर फैसला किसके हक में होगा। कौन कहलाएगी बच्चे की असली माँ, वो जिसने उसे जन्म दिया या वो जिसने उसे पाला? किसके पास जाएगा वेद अग्रवाल? मैम आपको क्या लगता है आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है? जो कभी आपकी प्रेमिका थी आज उनके खिलाफ केस लड़ते हुए आपको कैसा लग रहा है सर? झूठा। आपके आ जाने से की अगली कड़ी में मुकदमा जारी रहेगा। वो बच्चा मेरा है और मुझे अपना बच्चा वापस चाहिए। पर निशा के काले जादू की चपेट में आने की है किसकी बारी? क्या कोर्ट के फैसले से बदल जाएंगी परिस्थितियाँ? और होगा वो जिसका वेदिका को था बेसब्री से इंतजार। रोमांच अभी बाकी है आगामी धमाकेदार। जब तक हम जिंदा हैं, जारा की अमानत। हमारी जान जारा की अमानत। जानती है हमने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारी जान बचाने के लिए। कल तुम्हारा केस कोर्ट में रीओपन करवाना है हमें। अब तफसील से हमें बताओ कि तुमने हमदान का कत्ल क्यों किया। हमें बताओ कि ऐसे हालात कैसे पैदा हो गए जिसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम ये सब करो। ये रोका हुआ ना तो तुम्हारी वजह से। मैंने, सृष्टि ने, ऋषभ जी ने, दादी ने, सब ने इतनी कोशिश की कि ये रोका ना हो, लेकिन ये फिर भी हो गया। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी चाहत देखकर, तुम्हारी इतनी अच्छी एक्टिंग देखकर, तुम्हारा कंसर्न देखकर उस मनीषा का ना दिल ही बदल गया। और फिर क्या पता तुम एक्टिंग कर रहे थे या तुम्हें सच में प्यार हो गया। आप मुझे और मिस्टर सिंह को एक साथ नहीं देख सकते, इसलिए जानबूझकर आपने उन्हें जेल भिजवाया। हाँ, मैंने जेल भिजवाया। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि सबकी वजह सिर्फ आपकी जेलसी। आपसे बर्दाश्त नहीं होता कि मैं उनकी जिंदगी में हूँ, आपकी नहीं, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाने के लिए आपने जेल भिजवा दिया। हाँ, मैं हूँ जेलस। आई एम जेलस। मतलब आपने उन्हें अरेस्ट करवाया और मैं आपसे मदद की उम्मीद कर रही थी। हाँ, मैंने उसे अरेस्ट करवाया। तुम पर दया करने के लिए आज हमें खुद पर दया आ रही है, इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं रास्ते उतने ही रखो जितने की तकलीफ ना दे। तुम दया की नहीं सिर्फ सजा की पात्र हो और आज हम तुम्हें सर कल्याणी के साथ मेरा है कोई रास्ता। कल देखिए कि अपनी बहन रेवती की खुशी के लिए गुड्डन को करनी पड़ी अक्षत जिंदल से सगाई। क्या अक्षत कभी स्वीकार कर पाएगा गुड्डन को अपनी होने वाली जीवन साथी के रूप में? अब क्या नया तूफान आने वाला है इन दोनों की जिंदगी में? और क्या गुड्डन है तैयार बनने के लिए इंडिया की यंगेस्ट सास? जानने के लिए देखते रहिए गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ जी टीवी पर। पर ये हुआ कैसे? कौन कर सकता है सर? है एक राक्षस जिसका वध करना भी बाकी है। अब आप ये पट्टी खोल दो। कल देखना ना भूलें अस्पताल में सारी बत्तियां क्यों बंद कर रखी है? क्या मीरा की आंखों की रोशनी वापस आएगी? क्या वो अपने आप को इस रूप में स्वीकार? अच्छा पाउडर लाए जमाई बाबू, तुरंत ही काम कर गया। अरे राणा, ये गोनी में घसीटते हुए क्या ला रहा है? निवेदिता के फेंके हुए षड्यंत्र का पासा, क्या ले आएगा शांतनु और पुचकी की जिंदगी में नया पड़ाव? जानने के लिए कल का एपिसोड मिस मत कीजिए।